हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, खूबसूरत वादियों से आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत ना दिन के 2 बजे से हो रही है। दोनों 2:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए। और यहाँ पे है मितांश, तो अभी सासू जी गए हैं गौशाले मेरी कंडी लेने के लिए, तो मैं जाऊँगी घास के लिए और मितांश रहेगा अपनी दादी के साथ। तो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ घास के लिए और मैंने अपनी कंडी और दरांती ले ली है। तो मितांश के साथ है उसकी दादी और ससुर जी गए हैं आज ग्वाला। तो अभी मौसम की बात करी जाए तो हल्के से बादल लगे हुए हैं, बाकी धूप लगी हुई है सुबह से। ना धूप ज़्यादा लगी है ना कम लगी है, हल्की सी धूप लगी है, पर गर्मी इतनी हो रही है, मतलब आजकल इतना उमस जैसा हो रहा है ना, मतलब धूप कम ही लग रही है बट पसीना पसीना उमस हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं घास के लिए जा रही हूँ। बाकी मेरे पीछे देखो, पूरी हरी भरी आजकल चारों तरफ हरियाली छा रखी है और झंगोरा भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये देखिए अपना झंगोरे के खेतों में झंगोरा कितना बड़ा हो चुका है। दोस्तों ये देखो, ये वाला है हमारा खेत और हमारे खेत में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रखा है झंगोरा, क्या ही बोले, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रखा यार। उधर की साइड को हल्का हल्का हो रखा है, बीच में तो इसमें कुछ भी नहीं हो रखा। तो दोस्तों ये है हमारे खेत और ये वाला भी हमारा है, ये ऊपर वाला भी, और इससे जो नीचे है वो भी हमारे है। तो मुझे इन्हीं खेतों से काटने हैं घास। ये सिर्फ हमारे बंजर खेत हैं, ये इनमें से हम सिर्फ घास काटते हैं। तो अभी ना अच्छी घास हो रही है, ना हरी घास। तो चलिए एक बार मैं घास काट लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको हमारे पोले हाउस में क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। और अभी मैं डालूँगी यहाँ पर टमाटर में पानी। तो अभी मैं आ रखी हूँ पोले हाउस में और मितांश को भी लाई हूँ साथ में। तो ये देखो कहाँ गया, तो ये ना यहाँ पे बैठ रखा है, इसको भी मैं अंदर ले जाती हूँ क्योंकि बाहर ना काफ़ी बड़ी घास हो रखी है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं अपने पोले हाउस के अंदर और दिखाती हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। और मितांश ने आज बहुत दारू पी रखी है तो ऐसे लटक रहा है ये देखो। और घर से ना मैंने इसको एक बल्ब दे रखा है खेलने के लिए, तो क्या करें ये बाकी खेल ही नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ पर नहीं। तो अभी मैं इसको भी लेके चलती हूँ अंदर, चलो बाकी यहाँ देखो कैसा हो रखा है। तो चलिए जी अब दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। तो यहाँ पे लग रखे हैं आजकल ये देखो टमाटर, और यहाँ पे मैं डालूँगी अभी पानी। पानी मैंने जोड़ दिया है जैसे कैसे, मितांश के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई यार मैं, सासू जी भी काम कर रहे हैं, ससुर जी भी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा यहाँ पर पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ देखो यहाँ पे है बीन्स, तो ये मैं अभी आपको ढंग से दिखाऊंगी। पहले मैं इधर है टमाटर, तो इनमें डाल देती हूँ पानी। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफ़ी सारी बीन्स लग रखी है अभी, और कल ही मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि हमने इनको तोड़ दिया है आधा, और बाकी अभी यहाँ पर लग रहे हैं। तो ये देखो इधर साइड पूरा बीन्स ही, और कितना वो देखो कितने लंबे हो रखे हैं इसके पौधे, देख सकते हो आप लोग, मतलब ये जो इसकी बेल है, ये बेल वाली बीन्स है, पूरा पोले हाउस के ऊपर तक ही चले गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा रखे हैं हमने वो क्या बोलते हैं इसको, बैंगन, बैंगन के पौधे हैं ये।
ये लगा रखे हैं। और दोस्तों अभी ना मैं पॉली हाउस से घर पे आ गई हूँ और जो मैंने वहाँ के लिए पानी लगाया है मैं उसको बंद कर देती हूँ। आधा पानी वहाँ भर चुका होगा और आधा मैं कल डालूँगी। तो अभी देखो और यहाँ से मैं पानी उधर को लगा दूँगी घर की तरफ, क्योंकि बर्तन धोने में बहुत आफत आ जाती है, ऊपर से पानी लाना पड़ता है। नहीं तो मैंने यहाँ से घर के लिए पानी जोड़ दिया है और आधा मैं कल डालूँगी। और मैं आपको ना ढंग से दिखा भी नहीं पाई पॉली हाउस में क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं, क्योंकि मेरे साथ था मितांश तो बच्चे के साथ नहीं हो पाया। तो मैं कल जाऊँगी वहाँ, फिर मैं आपको प्रॉपरली कल नया ब्लॉग बना के दिखाऊँगी। और आजकल ना रात होते ही गोबड़े ऐसे घूम रहे हैं, जो लाइट पर आते ना वो वाले कीड़े, हमारे पहाड़ी भाषा में उनको गोबड़े बोलते हैं। तो यहाँ से कर देते हैं गेट बंद। और आज सुबह ना हमने इस वाले खेत की गुड़ाई की है और सासू जी ने शाम के टाइम पे ये शिमला मिर्च और उधर वाले शिमला मिर्च का भी पूरा घास निकाल दिया है। और अभी बस अंधेरा होने वाला है। नीचे की साइड देखिए कितने बादल लगे हुए हैं, कल क्या बता बारिश आ जाए। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, हमारे घर पे ना एक बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ है, ये देखो। नूडल्स